बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा कि जब आप इस्तेमाल करें अपने मताधिकार, याद रहे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार, किसानों का कर्ज माफ, ये तमाम वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, जो जिसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है। तो बता दें कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की हिसाब से धान खरीदी का वादा कांग्रेस ने किया है अपने घोषणा पत्र में, ये ट्वीट किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि भूमिहीनों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाएगा। धान पर 3200 MSP का वादा भी कांग्रेस सरकार ने किया है अपने घोषणा पत्र में। इसको लेकर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और इसके अलावा बता दें कि तेंदुपत्ता पर 6,000 रुपये का बोनस की बात भी की गई है, तेंदुपत्ता के लिए 4,000 प्रति वर्ष। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कही है। बता दें कि राहुल गांधी ने घोषणा पत्र को लेकर के ये तमाम बातें कही हैं। कांग्रेस ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें ये तमाम वादे किए गए हैं। और बता दें कि तेंदुपत्ता के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बोनस का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लोगों से वोट करने की अपील की है, मतदान करने की अपील की है। और राहुल गांधी ने कहा कि जब भी आप वोट करने जाएं तो याद रहे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार, भरोसे की सरकार। और आपको बता दें कि 200 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी भी कांग्रेस ने वादा किया है, इसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब आप इस्तेमाल करें अपना मताधिकार तो आपको याद रहे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार, यानी कि भरोसे की सरकार। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए तमाम बातें उन्होंने कही है। और बता दें कि कल ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को गारंटी है, तमाम बिंदु को शामिल किया गया है अपने घोषणा पत्र में। किसानों का कर्ज माफ, देखिए कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, यह बड़ा वादा है। इसके अलावा 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी का वादा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। भूमिहीनों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, यह वादा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके अलावा धान पर 3200 रुपये MSP यानी कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। तेंदुपत्ता पर 6,000 रुपये बोरा के हिसाब से ये भी मतलब वादा किया है कांग्रेस ने। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए, 200 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी छत्तीसगढ़ के लोगों को, ये भी कांग्रेस ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में। गैस सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी मिलेगी। और बता दें कि राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, ट्वीट में तमाम बातें कही। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जब आप अपने इस्तेमाल करें मताधिकार तो याद रहे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भरोसे की सरकार। ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें।